मैं पैगाम देना चाहता हूँ उस नाम निहार मुफ्ती पर। अफसोस होता है ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं और सुनते हैं कि जिनके मुंह से किसी की बुराई न निकले तो उनका पूरा दिन नहीं गुजरता। तो हमेशा किसी न किसी की टांग खींचते रहना, अपने चैनल को रैंकिंग के लिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये कहना कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी है वो हमारी वजह से लगी है क्योंकि हुसैन अल हरमैन किताब हमारी अभी उन्होंने देखी है तो उन्हें समझ आया कि ये तो तबलीगी जमात, ये तो देवबंदी जमात, ये तो गुस्ताख रसूल है। तो ये कहना कि हमारी वजह से और अच्छा हुआ इनके ऊपर पाबंदी लगी, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। नाम निहार बरेवली, न उनका कोई बरेवली जमात से कोई ताल्लुक़ है, न किसी वो खाते में है, बस अपने आप को मशहूर करने के लिए तबलीगी जमात पर तबर्रा करना या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना, उससे पहले बंदा अपनी हैसियत ही देख ले कि मेरी हैसियत क्या है। और ये कहना कि जी ये गुस्ताख है वो गुस्ताख है, पहले तो आप अपने आप को देख लें। हमेशा आप किसी न किसी को टारगेट करते रहते हैं, हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं कि अहले बिदत हमेशा जो है झूठ बोलेगा, बहतान लगाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इनके ऊपर लानत किया हुआ है, झूठे पर अल्लाह की लानत है। चाहिए कि आप किसी के ऊपर झूठ बांधेंगे या किसी ने किताब पर हवाला झूठा दिया है या कोई भी ऐसी बात है तो आप उलमा से डिस्कस करें। आप उस वक्त तो डिस्कस इस बारे में नहीं कर रहे थे, आज आप तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी है तो आप फौरन ही ये आप भी बाहर निकल आए अपनी बिल से और तबलीगी जमात के ऊपर तनकीद करने लगे कि इलियास कांधेलवी ऐसे थे या अशरफ अली थानवी ऐसे थे। तो बड़ा अफसोस हुआ आपकी तकरीर सुन के। उम्मीद है कि आप सच का हक का साथ देंगे और अपनी ऐसी वीडियोस से गुरेज करेंगे, ऐसे झूठे बहतान से, ऐसी झूठी बातों से। बाकी तबलीगी जमात के ऊपर जो पाबंदी लगी है ये कुछ दिन में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दूर हो जाएंगी और हक सच वाजे हो जाएगा इस बात का कि कौन हक पर है कौन ना हक पर है। जो उन्हें सऊदीया को जिन्होंने मिसगाइड किया उन्हें भी मुंह के बल गिरना पड़ेगा और उन्हें भी यानी कि शर्मसार होना पड़ेगा। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अहले हक के साथ है और अल्लाह की मदद अहले हक के साथ है। तबलीग का सबसे पहला जो बयान होता है वो होता है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो उनका पहला ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के अमर इरादे बग़ैर मखलूक से कुछ ना होने का यकीन, ये उनके सबसे पहले तौहीदी से शुरू होता है और तौहीदी पे ख़त्म होती है उनकी बात। तो तीसरा नंबर इलम, इलम हर मोमिन मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद भी सीखे, अपने औलाद को भी सिखाए, अपने रिश्तेदारों को भी सिखाए। हर मर्द औरत के ऊपर इतना इल्म फ़र्ज़ है कि अपनी ज़िंदगी में वो सुन्नत के मुताबिक गुजार सके। और इनका चौथा इकराम मुस्लिम, अपने मुसलमान भाइयों का इकराम करना, उदर्स देती अमन का, अपने मुसलमानों भाइयों के साथ अमन से सकून से ज़िंदगी अपनी गुजारें और उनके साथ मोहब्बत से गुजारें। और पांचवा सही नीयत, यानी कि जो अमल करे खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए करें, न कि वो दिखलावे के लिए, न कि वो रियाकारी के लिए, खालिस अल्लाह के लिए जो अमल करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, खैरात करे, खालिसतन अल्लाह के लिए। और छठा नंबर दावत व तबलीग, जैसे अम्बिया कराम ने दावत दी इस तरह हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हम भी लोगों को अच्छी बात की तलकीद करें और बुरी बातों से मना करें। हज़ूर अकदस सल्लम आखिरी नबी हैं, हज़ूर के बाद ये ज़िम्मेदारी पूरी उम्मत की है, तो तबलीग भी सब की ज़िम्मेदारी है। तो वो ये बात करते हैं और इसके अलावा तो और कोई बात नहीं होती। और इनमें से यानी कि छः, ये छः नंबर होते हैं, छः नंबर से बाहर जाते भी नहीं हैं। अभी आप कोई मुफ्ती उठे कि अशरफ अली थानवी की तालीमात इस तरह है या कांधल मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नाजिबा अल्फाज कहे, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोचना चाहिए अपने बारे में
और ख़ुद के बारे में सोचना चाहिए कि मैं ख़ुद क्या हूँ और किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नाम निहार बिदती, जो ख़ुद बिदत की दलदल में हो और वो दूसरों को इल्ज़ाम लगाए कि ये कब्र परस्त है, पहले आप अपने घर को देखें, कब्र परस्त कहाँ मिलेंगे आपको, अपने ही घर में मिलेंगे और आपके साथ ये मिलेंगे और आप खुद भी कब्र परस्त हैं।